औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी तस्वीर में चेहरे से जो पिंपल है वो कैसे खत्म कर सकते हैं। तस्वीर को ओपन करने के बाद हमने स्टंप टूल को सिलेक्ट करना है और इसकी कैपेसिटी हमने 32, 33, 35 तक रख सकते हैं। अभी गौर करने वाली बात है, आपने गौर से देखना है कि हम ये जो पिम्पल है स्टंप टूल की मदद से कैसे खत्म करेंगे। 32 की कैपेसिटी रखने के बाद हमने आर्ट दबाना है, जो साफ जगह है पिम्पल के साथ वाली उसको कापी हो जाएगी, वो पिम्पल के ऊपर आर्ट छोड़कर पिम्पल पर क्लिक कर देना है, यानी कि जैसे कापी पेस्ट का काम होता है वैसे हो रहा है। दोबारा से बता रहा हूँ, मैं नोट ले आप, आर्ट से हमने जो चेहरे पर पिंपल है उसके साथ वाली जो साफ जगह है उसको आर्ट दबा के कॉपी कर लेना है और पिंपल वाली जगह पे आर्ट छोड़ के क्लिक कर देना है, वो जगह साफ हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखें, आपने हमेशा जहाँ पिंपल होगा उसका साथ वाली साफ जगह सेलेक्ट करनी है, कहीं दूर से नहीं कर लेना। पिंपल क्लियर करने के बाद हम कंट्रोल बी प्लस करेंगे और जो चेहरे की कलर करेक्शन है वो ठीक कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा रेड ऐड कर देंगे, थोड़ा सा येलो ऐड कर देंगे, जहाँ पर चेहरे का रंग अलहदा ही है वहाँ पर मैजिक टूल्स उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से इसको कलर देंगे ताकि मुकम्मल चेहरे का रंग एक जैसा हो जाए। इसके बाद हम जूम करके देखते हैं तस्वीर को, इसमें कहाँ कहाँ पर क्या करना है। अभी जहाँ पर नाक के ऊपर थोड़ी सी रोशनी लाइट दिखाई दे रही है, स्टंप टूल की मदद से इसको हम क्लियर करेंगे। फिर वही कॉपी पेस्ट का काम आर्ट से कॉपी किया और साफ जगह पर ला कर छोड़ के पेस्ट कर दिया। अभी जो हमारा नोज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा से जूम करके देखेंगे कि चेहरे में कोई कमी कोताही कोई गलती तो नहीं रहेगी। अभी हम दोबारा से फेस चेक करके इस पर जहाँ जहाँ पर कोई निशान है कोई डॉट है उसको हम स्टंप टूल की मदद से क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर होंठ पर थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, इसको हम क्लियर करेंगे। जी अभी जो हमें चेहरा है वो तकरीबन क्लियर दिखाई दे रहा है। मैजिक टूल की मदद से हम कुछ एरिया जो डिफरेंट कलर में उसको सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा कंट्रोल एम करके थोड़ा सा लाइट करेंगे उसको, जैसे कि मैंने कर दिया है। अब दोबारा से हम इसको चेक करते हैं कंट्रोल बी की मदद से, थोड़ा सा रेड कलर इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि जो फेस है वो पहले लाइट लाइट था, ठीक हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड करेंगे, बहुत ही प्यारा फेस हो गया आप देख सकते हैं। कंट्रोल एम से फिर हल्का सा इसको लाइट करेंगे। जी अभी मुकम्मल फेस का जो कलर है वो एक जैसा हो गया, आप देख सकते हैं हमारे जो चेहरे का रंग है वो मुकम्मल तौर पर सारा क्लियर हो चुका है और कहाँ कहीं पर कोई भी निशान या कोई भी पिंपल वगैरह नहीं है। हमने इसको जूम करके अच्छी तरह से देख लिया है। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट एस की मदद से हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जो इसकी ओरिजिनल तस्वीर थी वो भी और ये भी सामने रखकर दोनों को चेक करेंगे कि इसमें कोई क्या डिफरेंस है। जी हमने जो इसकी ओरिजिनल पिक है वो ओपन करते हैं। जी हमने इसको इसके साथ रख लिया और दोनों में अब जो कंपेरिजन है वो करते हैं। जी वाह वेरी अमेजिंग, बहुत ही क्लियर शानदार रिजल्ट बना है हमारी जो फिनिशिंग की है हमने स्टंप टूल की मदद से। जी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।